अपने विस्तारवादी प्रोपेगेंडा के तहत अरुणाचल प्रदेश और भारत के सीमावर्ती इलाकों पर नजरें गड़ाए रखने वाले चीन की नापाक हरकतें पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में अगस्त महीने में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी किया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कई बड़े मौकों पर चीन की इस हिमाकत की निंदा की थी। वहीं अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद खुद चीन की भी आंखें खुली रह जाएंगी और हलक सूख जाएगा, क्योंकि भारत के जिस अभिन्न हिस्से को चीन अपना बताकर वक्त वक्त पर गीदड़ भभकियां देता रहता है, उसी अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के निवासियों ने चीन की हरकतों पर खासा गुस्सा जाहिर किया है और चीन को करारा जवाब दिया है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। इसके अलावा ग्रामीणों ने ये भी कहा कि वे शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और भारतीय सेना और सरकार के कारण ही वो सुरक्षित महसूस करते हैं। चीना लोग क्या करते हैं, से तो वहाँ से बहुत क्लेम करते रहते हैं, इसलिए तो हम लोग इंडिया से कहाँ झुके, झुकेगा नहीं। हम लोग इंडिया आर्मी है तो आर्मी तो बहुत है, तो उन लोग से झुके बैठेगा तो नहीं हुआ ना। 1962 में तो कुछ हो रहा था, फिर भी तो हम लोग झुकता ही नहीं। तो हम लोग तो इंडिया का अंदर रसन बना तो सब इंडिया ही दे रहे हैं, इसलिए तो हम लोग तो इंडिया का तो बहुत पास हाथ जोड़ के बैठा हूँ अभी तक। धान बहुत काफ़ी अच्छा होता है और वैसे सब्जी भी यही होता है, हम लोग ये खरसनेंग एरिया बोलता है, तो हम लोग को गवर्नमेंट तरफ से बहुत मदद मिलता है सर। सीएम साहब का मेहरबानी से हम लोग यहाँ काफ़ी बस्ती वालों को सबसे ये मतलब मदद मिल रहा है सर, काफ़ी मिल रहा है हम लोग को, बहुत ही बहुत अच्छा मिल रहा है सर। तो लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, इनकम बहुत अच्छा है सर। हम लोग का जो गवर्नमेंट मदद कर रहा है, गवर्नमेंट मदद करने के बाद सर हम लोग यहाँ का जितना भी दान है, सब्जी है, ये सब हम लोग का सबको पहले से बहुत अच्छा बेहतर हुआ है सर। गौरतलब है कि चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के चलते केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 से 2025-2026 तक 4800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनमें से 2500 करोड़ रुपए सिर्फ रोड कनेक्टिविटी और सड़कों की हालत बेहतर करने में खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार सीमाई गांवों में विकास कार्य करेगी और वहां लोगों के जीवन को बेहतर किया जाएगा। इस योजना के तहत सीमा पर मौजूद 46 ब्लॉक के 19 जिलों के गांवों को संवारा जाएगा। इनमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के गांव शामिल होंगे। ऐसे में अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने वाले चीन के लिए वहां के ग्रामीणों का ये दो टूक जवाब बेशक आसानी से हजम नहीं होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।